मान्य पूर्वाचार्यों का, गुरुओं का अभिनंदन स्मरण, सबके पूर्वज सनातन वैदिक आर्य हिंदू सिद्ध हैं। अपने पूर्वज की पहचान करने की आवश्यकता है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना हमारा लक्ष्य है। अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा के लिए कटिबद्धता हमारा लक्ष्य है। इस पवित्र अवसर पर स्थावर जंगम प्राणियों का अभिनंदन है, सबके कल्याण की भावना है। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जो भी देवता, पितर इत्यादि मान्य महानुभाव हैं, ऋषि मुनि हैं, सबको नमस्कार है। नारायण नारायण नारायण। पंखा बंद कर। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना हमारा लक्ष्य है। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे, इस तथ्य को समझने की आवश्यकता है। अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा के लिए कटिबद्धता अत्यंत आवश्यक है। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के में भी सनातन वैदिक आदि हिंदुओं ने जो प्रकल्प प्रस्तुत किया वह सबके लिए वरदान स्वरूप है। मैं संकेत करना चाहता हूँ, लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो, इसकी स्वस्थ विधा का नाम ही सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म है। विश्व स्तर पर इस तथ्य को स्थापित करने की आवश्यकता है। एक संकेत करना मैं उचित समझता हूँ, इस वैज्ञानिक युग में दर्शन, विज्ञान और व्यवहार में सामंजस्य साध कर चलने वाला एकमात्र सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म ही सिद्ध हो सकता है। अतः विश्व स्तर पर सबके कल्याण का इसका मार्ग प्रशस्त करना हमारा लक्ष्य है। हम हिंदुओं को किसी के प्रतिद्वंद्वी के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं समझते, बल्कि पूरे विश्व को यह ध्यान रखना चाहिए, जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं सबके पूर्वज का नाम ही सनातन वैदिक आर्य हिंदू है। समिति के मान्य महानुभावों ने इस संदर्भ में कोई हमसे परामर्श नहीं लिया है। मान्य उच्चतम न्यायालय का निर्देश है, समिति की बैठक पूरी के माननीय शंकराचार्य की उपस्थिति में होनी चाहिए, लेकिन अब तक 2 वर्ष व्यतीत हो गए, समिति ने कभी भी हमारे पास आकर बैठक करने का विचार नहीं बनाया, किसी ने इस संबंध में हमसे मार्गदर्शन नहीं लिया। हमें कोई कष्ट नहीं है, लेकिन मान्य उच्चतम न्यायालय के निर्णय की अवज्ञा देश के हित में नहीं है। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष का संस्थान श्री मंदिर बने, गिने चुने व्यक्तियों के जीविका का सिद्धांत स्थान या मनोती मान्य का स्थान ही न रह जाए। शुचिता, स्वच्छता, सुंदरता, शील और स्नेह से संपन्न व्यक्ति यहाँ से तैयार हों, जो विश्व के लिए वरदान स्वरूप से हो सकें। आखिर उड़ीसा सरकार को, यहाँ की समिति को शंकराचार्य से डर क्यों लगता है? हम तो सद्भाव पूर्वक संवाद के पक्षधर हैं, अगर हमारे पास आकर ये बैठेंगे, सबकी बात को सुनने के बाद सबके हित में
विश्व के कल हित में इस पवित्र संस्थान का जो भी स्वरूप होना चाहिए उसके उद्भाषण का ही हम लोग प्रयास करेंगे। हमसे इनको परहेज क्यों है, इन्हें विचार करना चाहिए।